तो देखो भाई लोग, आज निसान कंपनी ने तीन नई एसयूवी कारों को इंडियन मार्केट में ऑफिशियली रिवील कर दिया है, जिनमें से पहली है जूक जो कि एक मिडसाइज एसयूवी कार होने वाली है, दूसरी है कशकई जो कि हैरियर हेक्टर के साथ कम्पीट करेगी और तीसरी है एक्सट्रेल। तो इन तीनों ही कारों के साथ निसान कंपनी ने कमबैक किया है। इनमें से किस कार को सबसे पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन स्पेशली ये वीडियो होने वाला है निसान के जूक के ऊपर। ये एक मिडसाइज एसयूवी कार होने वाली है और निसान कंपनी ने इस कार को सबसे पहले 2010 में लॉन्च किया था। इसका सेकेंड जनरेशन मॉडल 2019 में आया था और ग्लोबल मार्केट में इस कार को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस कार का सेफ्टी क्रैश टेस्ट भी हो चुका है और निसान के जूक को सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं। तो डेफिनेटली ये कार इंडियन मार्केट में आने के बाद तबाही सी मचाने वाली है और ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद कम्पीट करेगी क्रेटा के साथ, सेल्टोस के साथ, टाइगुन कुशक एस्टर के साथ। इस कार का तगड़ा मुकाबला होने वाला है। तो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर और एक कार की एंट्री होने वाली है, लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं डायमेंशन के बारे में। इस कार की लेंथ है 4210 मिलीमीटर की, जो कि हुंडई क्रेटा के मुकाबले 90 mm कम है, यानी हुंडई क्रेटा की लेंथ आपको 90 mm ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा निसान जूक की विड्थ है 1800 मिलीमीटर की, वही क्रेटा के मुकाबले इसकी विड्थ आपको 10 mm ज्यादा देखने को मिल जाएगी, यानी क्रेटा के अंदर आपको 10 mm विड्थ थोड़ी सी कम मिलने वाली है। और निसान जूक की हाइट है 1595 मिलीमीटर की, जो कि हुंडई क्रेटा के मुकाबले 25 mm कम है, और इस कार के अंदर आपको 2636 मिलीमीटर का व्हील बेस देखने को मिल जाएगा, और इसका व्हील बेस 26 mm बड़ा है एज कंपेयर टू हुंडई की क्रेटा। तो डायमेंशंस के मामले में ये कार कड़ी टक्कर देती है हुंडई क्रेटा को, लेकिन इसकी लेंथ आपको 90 mm कम देखने को मिल जाएगी अगर आप इसके डायमेंशंस को हुंडई क्रेटा के डायमेंशंस के साथ कंपेयर करोगे। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो निसान के जूक के अंदर आपको 422 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, जिसके तहत आप अपना अच्छा खासा सामान रख सकते हैं बूट स्पेस के अंदर, लेकिन हुंडई क्रेटा के अंदर 433 लीटर का बूट स्पेस दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा बूट स्पेस के अंदर। लेकिन अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो क्रेटा के अंदर 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है, वही निसान की जूक के अंदर आपको 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें थी निसान जूक के बारे में और हुंडई क्रेटा के बारे में। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर जूक आगे निकल जाती है, लेकिन कुछ जगह पर हुंडई क्रेटा बाजी मार लेती है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो निसान कंपनी इस कार के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दे सकती है, और ये इंजन 115 bhp की पावर आउटपुट और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। तो इस इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ जूक इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है, लेकिन इसकी पावर आउटपुट अगर हम क्रेटा के पावर आउटपुट के साथ कंपेयर करें तो आपको स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। क्रेटा का सेम इंजन 113 bhp की पावर आउटपुट निकाल लेता है, लेकिन जूक के अंदर आपको 115 bhp की पावर आउटपुट मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही कारों के अंदर लगभग सेम पावर आउटपुट मिलने वाली है, लेकिन क्रेटा के अंदर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी दिया जाता है, और ग्लोबल मार्केट में जूक के अंदर आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। निसान कंपनी कशकई और एक्सट्रेल को हाइब्रिड इंजन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। यहाँ पर जूक के अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन नहीं मिल सकता। शायद आने वाले समय में ये सब कुछ चीजें पता चल जाएंगी जैसे ही निसान की जूक इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो भाई इसका फ्रंट का फीचर, रियर का प्रोफाइल और साइड का प्रोफाइल दिखने में काफी बढ़िया लगता है। ये दिखने में थोड़ी सी क्यूट सी कार लगती है। इसका फ्रंट का फीचर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका लाइटिंग सेटअप भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रखा है, और इसके फ्रंट के ग्रिल्स आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। इस कार के अंदर आपको स्लीक LED DRL का सेटअप देखने को मिल जाएगा, और उसी के नीचे हेडलाइट की प्लेसमेंट करी गई है, और हेडलाइट के अंदर ट्रायो शेप का डिजाइन पैटर्न दिया हुआ है जो कि दिखने में थोड़ा सा कूल लगता है। और इसके ग्रिल के साइड में आपको वी शेप के साथ एक क्रोम की लाइन देखने को मिल जाएगी, और इसके ग्रिल्स आते हैं पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर इसका फ्रंट का फीचर आप लोगों के सामने है। इसके फ्रंट के बम्पर्स थोड़े से स्पोर्टी रखे हैं, और इसका साइड का प्रोफाइल भाई काफी बढ़िया लगता है। निसान कंपनी ने इस कार के अंदर फ्लोटिंग रूफ लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि दिखने में थोड़ा सा कूल लगता है, और साइड से इस कार का लुक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके अलावा रियर का फीचर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव LED टेललाइट का सेटअप इस कार के अंदर आपको मिल जाएगा। रियर में वाइपर का ऑप्शन दिया हुआ है, शार्क फिन एंटेना का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, रूफ माउंटेड स्पॉइलर का ऑप्शन दिया हुआ है, और रियर में आपको पार्किंग सेंसर और पार्किंग कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस कार का एक्सटीरियर लुक आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, लेकिन इस कार को सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं। इसका क्रैश टेस्ट किया गया था इरो NCAP के द्वारा, जहां पर इस कार ने 5-स्टार रेटिंग्स हासिल करे।
रहे थे। अगर मैं इसके बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इस कार के अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर अलग अलग सेंसर्स दिए जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल का फीचर आपको मिलेगा, इमरजेंसी कॉल सिस्टम, इसके अलावा लेन डिपार्चर वार्निंग, 6 एयरबैग्स और ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स आपको निसान के जूक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका इंटीरियर। भाई जिस तरह से इस कार का एक्सटीरियर लुक है, जिस तरह से इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स को इंक्लूड किया है, उससे भी बढ़िया इस कार का इंटीरियर आपको देखने को मिल जाएगा। इस कार के इंटीरियर में ड्यूल टोन कलर का थीम यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका इंटीरियर दिखने में प्रीमियम लगता है। ऐसा लगता है कि इस कार की कीमत 40 या फिर 50 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, लेकिन इस कार की कीमत सुनकर आपके तो डेफिनेटली होश उड़ने वाले है। इस कार के इंटीरियर में आपको काफी लेदर का यूज देखने को मिल जाएगा, डैशबोर्ड के ऊपर, सीट्स के ऊपर, अपहोल्स्ट्री आर्मरेस्ट के ऊपर आपको लेदर की फिनिशिंग मिल जाएगी। डैशबोर्ड का डिजाइन भी काफी बढ़िया रखा है निसान कंपनी ने, और इसके अंदर आपको मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन मिल जाएगा। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया हुआ है, जो कि आता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के सपोर्ट के साथ। इसके अलावा गाने सुनने के लिए आपको बोस के प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाएंगे, वॉइस रिकॉग्निशन फंक्शन आपको मिलने वाला है, हेडसअप डिस्प्ले भी इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि अच्छी खासी बात है। हीटेड फ्रंट सीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग का ऑप्शन भी ऑफर किया है, और इस कार के अंदर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ का ऑप्शन भी मिलने वाला है। तो इस कार के इंटीरियर में काफी प्रीमियम लेवल के फीचर्स ऑफर करे हैं निसान कंपनी ने, और जिस तरह से इस कार का इंटीरियर रखा है उसको देखकर आपका मूड डेफिनेटली फ्रेश होने वाला है। तो इस कार का लुक भी बढ़िया है, इंटीरियर भी बढ़िया है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। इस कार को उतारा जाना है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर, क्योंकि इस कार की लेंथ 4 मीटर के ऊपर चली जाती है, और ये कार कम्पीट करने वाली है क्रेटा सेल्टोस टाइगन कुशक के साथ। तो डेफिनेटली इस कार की कीमत आपको 10 लाख रुपए के अंदर ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि निसान कंपनी जानी जाती है कम कीमत में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लाने के लिए। और रिसेंटली मैग्नेट को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था निसान की तरफ से, इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और इस कार को काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। तो सिमिलरली जो निसान की जूक रहेगी, इस कार की कीमत 8 या फिर 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है मेरे हिसाब से। अगर निसान कंपनी इस कार की कीमत 8 या फिर 9 लाख रुपए रखती है, तो डेफिनेटली ये कार इंडियन मार्केट में क्रेटा सेल्टोस टाइगन कुशक को कड़ी चुनौती देने वाली है। आपको क्या लगता है इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूं तो निसान कंपनी सबसे पहले एक्सट्रेल इस एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, जो कि कंपीट करने वाली है फॉर्च्यूनर, इसके अलावा ट्यूसन, उन कारों के साथ वो कंपीट करेगी। उसका सेगमेंट थोड़ा सा ऊपर वाला है, उस कार को सबसे पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद जूक को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद कशकई इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अगले 1-2 महीनों के अंदर एक्सट्रेल इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, शायद इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में जूक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो आपको निसान की ये कार कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और ये भी बता देना कि ये कार क्रेटा सेल्टोस टाइगन कुशक एस्टर को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।